बहुत ही मजेदार, एकदम मुंह में जाते ही घुल जाने वाली एकदम खस्ता नान खटाई आज हम बनाएंगे। और ये नान खटाई को हम दो तरीके से बनाएंगे, यानी ओवन में भी बनाएंगे, साथ ही हम इसे कढ़ाई में भी बनाएंगे। और दोनों में क्या डिफरेंस आता है वो भी मैंने आगे डिटेल में शेयर किया है, तो वीडियो को आप पूरा एंड तक देखिए और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आप भी इस नान खटाई को घर पर बना सकते हैं। साथ ही अगर आपने हमारी बाकी की बेकिंग क्लास की रेसिपीज को मिस किया है तो उन्हें भी जरूर से चेक कीजिए, उन सबकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए इस मजेदार सी नान खटाई को बनाना शुरू करते हैं। तो नान खटाई बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा यहाँ पे आधा कप घी। तो यहाँ पे आप होममेड या फिर जो भी घी आप इस्तेमाल करते हैं वो ले सकते हैं। आधा कप हमें घी लेना है। घी यहाँ पर अगर आप देखें तो बिल्कुल सॉफ्ट है, रूम टेम्परेचर पर ही होना चाहिए घी, आपको मेल्ट करके या फ्रिज से निकला हुआ ठंडे घी का इस्तेमाल नहीं करना है। आधा कप घी में अब हम डाल देते हैं 3/4 कप यानी 3/4 कप पाउडर चीनी। नॉर्मल चीनी ली थी मैंने यहाँ पर, जिसे मिक्सी के जार में डालकर पीस लिया है, तो ये 3/4 कप मैंने पाउडर चीनी इसमें डाल दी है। अब यहाँ पर हैंड विस्कर की हेल्प से हम इसे लगभग 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से फेंट लेंगे ताकि चीनी अच्छे से घी में मिक्स हो जाए और जो हमारा ये मिक्सचर है एकदम क्रीमी और एकदम फ्लफी टेक्सचर में ना आ जाए। आप चाहें तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल करके भी इसे फेंट सकते हैं, उससे ये काम बहुत जल्दी हो जाएगा, 1 से 2 मिनट में अच्छे से ये फेंट जाएगा। आप इस तरीके से हैंड विस्कर से भी इसे लगभग 3 से 4 मिनट के लिए बढ़िया से मिक्स करते हुए अच्छे से फेंट लें। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर पूरी तरह से पहले से चेंज हो गया, एकदम क्रीमी और एकदम फ्लफी टेक्सचर में ये आ चुका है। बिल्कुल इसी तरीके का मिक्सचर हमें तैयार करना है। जितना अच्छे से आप इसे फेंटेंगे जो आपकी नान खटाई उतनी ही लाइट और एकदम खस्ता बनेगी। तो ये मिक्सचर हमारा अच्छे से तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर इसके ऊपर हम एक छन्नी रखेंगे और यहाँ पर अब सबसे पहले हम डालेंगे 1 कप मैदा। मैदा यहाँ पे 1 कप लिया है मैंने। सारी चीज़ें आपको यहाँ पर छान कर ही इस्तेमाल करनी है। और इसी के साथ हम इसमें डाल देते हैं यहाँ पे 2 बड़े चम्मच यानी कि 2 टेबलस्पून बेसन। और सारी चीज़ें जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं वो रूम टेम्परेचर पर ही होनी चाहिए। और इसी के साथ 2 टेबलस्पून हम इसमें सूजी डाल सकते हैं। आप सूजी यहाँ पे बारीक या मोटी कोई भी सूजी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी के साथ 1/2 छोटी चम्मच हम इसमें डाल देते हैं यहाँ पर बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा का इस्तेमाल मैंने नहीं किया है, 1/2 छोटी चम्मच सिर्फ बेकिंग पाउडर डाला है। अगर बाय चांस आपके पास यहाँ पर बेकिंग पाउडर नहीं है, बेकिंग सोडा आपके पास अवेलेबल है, तो बेकिंग सोडा अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1/4 टीस्पून ही आपको बेकिंग सोडा डालना है। लेकिन आपको जो बेस्ट रिजल्ट है वो बेकिंग पाउडर से ही मिलेगा, तो हो सके तो आप बेकिंग पाउडर का ही इस्तेमाल करें। सारी चीज़ें अच्छे से मैंने यहाँ पर छान ली हैं और अब हम अपने हाथ से इसे बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से कुछ इस तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे। ध्यान रखें बिल्कुल हल्के हाथों से ही आप इसे मिक्स करें। तो इस तरीके से मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पर फ्लेवर के लिए मैं 1/2 छोटी चम्मच इसमें डाल रही हूँ इलायची का पाउडर। इलायची के पाउडर की जगह पर अगर आप चाहें तो उसमें केसर डाल सकते हैं, अगर आपको केसर वाली नान खटाई बनानी है। साथ ही हम इसमें 1 चुटकी यहाँ पे डाल देते हैं नमक। 1 चुटकी नमक ज़रूर से डालिए, इससे जो इसका टेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। तो इस तरीके से फिर हम इसे वापस से हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। सेमी सॉफ्ट सा हमारा डो बनकर यहाँ पर तैयार होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसका डो लगा लिया है और हल्के हाथों से आपको इसे मिक्स करते हुए बस इकट्ठा करना है इस तरीके से। यहाँ पर हमने कोई भी दूध या फिर पानी का इस्तेमाल नहीं किया है। नान खटाई की रेसिपी में कोई भी लिक्विड इस्तेमाल यानी दूध और पानी नहीं किया जाता है। अगर आप दूध या पानी मिक्स करते हैं इसमें तो हो सकता है आपकी जो नान खटाई है वो हार्ड बनेगी। तो यहाँ पर जो अगर आपको थोड़ा सा डो हार्ड लगे और उसमें बाइंडिंग नहीं आ रही तो थोड़े से घी का इस्तेमाल करें, लेकिन दूध और पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है, उससे जो आपकी नान खटाई है हार्ड बनती है। तो ये मिक्स हमारा तैयार है, एकदम सेमी सॉफ्ट सा हमने आटा लगा के यहाँ पे तैयार किया है। परफेक्ट मेजरमेंट लिए थे इसलिए डो हमारा बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है। अब यहाँ पर डो में से छोटा छोटा सा पोर्शन लेकर हम नान खटाई बनाएंगे। तो एक जैसी नान खटाई अगर आपको बनानी है तो इस तरीके से कोई भी टेबल स्पून का आप इस्तेमाल करें और थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन लेकर इस तरीके से इसे हमें अपने हाथों पे एकदम चिकना करके गोल करना है और फिर आप अपने हाथ से इसे हल्का सा प्रेस कर लें। बहुत ज़्यादा फ्लैट नहीं करेंगे, बस हल्का सा प्रेस करेंगे और इस तरीके से हम सारी नान खटाई बनाकर तैयार करेंगे। तो आप कोई भी प्लेट ले लें या फिर ट्रे ले लें, उसमें आप बटर पेपर लगाकर इस तरीके से नान खटाई को रखते जाएँ।
और इस तरीके से हम सारी नान कताई बनाकर यहाँ पर तैयार करेंगे। अपने हाथों में थोड़ा सा कूल कर लें इसे अच्छे से, और फिर आप इसे हल्का सा प्रेस कर लें। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर एक प्लेट में बटर पेपर लगाया था, साथ ही एक ट्रे मैंने ली है जिसे हम ओवन में बेक करेंगे। इसमें भी मैंने इस तरीके से सारी नान कताई को सेट कर लिया है। अब नान कताई हमने सेट कर ली है, तो अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा इस तरीके से कटा हुआ बादाम और पिस्ता लगा लेंगे और इस तरीके से इसे थोड़ा सा गार्निश कर लेंगे। इससे जो हमारी नान कताई जब बेक होकर तैयार होगी तो वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगी और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। यहाँ पर इसके ऊपर आप चाहें तो थोड़ा सा केसर भी लगा सकते हैं। हल्का सा प्रेस करते हुए इसे लगाएं और इस तरीके से मैंने यहाँ पर ये प्लेट तैयार कर ली है। और साथ ही हमने यहाँ पे जो ट्रे ली थी जिससे हम ओवन में बेक करने वाले हैं वो भी मैंने तैयार कर ली है। ओवन या फिर ओटीजी में अगर आप इसे बेक कर रहे हैं तो 170 डिग्री सेल्सियस पे आपको इसे प्री हीटेड ओवन या फिर ओटीजी में बेक करना है 15 मिनट के लिए। ध्यान रखें 170 डिग्री सेल्सियस पे 15 मिनट के लिए प्री हीटेड ओवन या फिर ओटीजी में आप इसे बेक कर सकते हैं। और साथ ही यहाँ पे मैंने कढ़ाई को भी सेट कर लिया है, तो यहाँ पे कढ़ाई को मैंने 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे प्रीहीट कर लिया है। इसमें नॉर्मल खाने वाला नमक डालकर एक रिंग डालकर इसे प्रीहीट किया है और ये तैयार की हुई प्लेट हम इसमें रख देते हैं। और अब हम इसे ढक देंगे और ढक कर हम इसे लो फ्लेम पर बेक करेंगे। कढ़ाई में ओवन या फिर ओटीजी से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है बेक करने के लिए, तो आप इसे ढक कर बिल्कुल लो फ्लेम पर 20 से 25 मिनट के लिए आराम से बेक होने दें। हो सकता है आपको 2 से 3 मिनट और भी ज़्यादा टाइम लगे। तो यहाँ पर जो हमने ओवन में बेक करने के लिए रखी थी हमारी नान कताई अच्छे से बेक हो चुकी है। आप देख सकते हैं इस पर बढ़िया से क्रैक भी आए हैं और काफ़ी प्यारा से इस पर कलर आया है। 15 मिनट के लिए मैंने 170 डिग्री सेल्सियस पे इसे प्री हीटेड ओवन में बेक किया है। अब 1 से 2 मिनट के लिए आप इसे ऐसे ही रहने दें, उसके बाद आप इसे वायर रैक पर निकाल कर बाहर अच्छे से ठंडा होने के लिए रख दें। और साथ ही ये हमने जो कढ़ाई में बेक होने के लिए रखी थी 25 मिनट में, ये भी हमारी नान कताई अच्छे से बेक हो गई है। बेकिंग ट्रे से आपको 1 से 2 मिनट के बाद आप नान कताई को इस तरीके से वायर रैक पर ज़रूर से निकाल के पूरी तरह से ठंडा कर लें। आप देख सकते हैं ओवन वाली नान कताई हमारी अच्छे से बेक हुई है, नीचे से भी इस पर बढ़िया सी ब्राउनिंग आई है, साथ ही ऊपर से भी आप देख सकते हैं एकदम लाइट सा कलर है, जैसे कि नान कताई हमें जो बाहर मिलती है बिल्कुल वैसा ही इस पर कलर आया है और एकदम बढ़िया से इस पर क्रैक्स भी आए हैं आप देख सकते हैं। तो परफेक्ट तरीके से हमारी ये नान कताई यहाँ पर बेक होकर तैयार हुई है। ओवन या फिर ओटीजी में जब आप नान कताई को बेक करते हैं तो इस तरीके की उस पर अच्छे से क्रैक्स भी आते हैं क्योंकि उसे हीट ऊपर और नीचे दोनों साइड से मिल रही होती है, इसीलिए जो आपकी नान कताई है बिल्कुल ऐसी बनेगी। और सेम अगर आप देखें जो कढ़ाई में हमने बनाई थी बहुत अच्छे से बेक हुई है, टेस्ट में भी आपको कोई डिफरेंस नहीं रहेगा इसमें, लेकिन अगर आप देखें तो उस पर क्रैक्स बिल्कुल भी नहीं आए हैं क्योंकि इसे हीट नीचे से यानी कि गैस पर जब हम बेक करते हैं तो उसे ऊपर से नहीं सिर्फ नीचे से हीट मिल रही है, तो इसीलिए ऐसा होता है। तो यहाँ पर ये हमारी नान कताई बिल्कुल अच्छे से बनके तैयार हो चुकी है। तो आप कढ़ाई या फिर ओवन दोनों में किसी में भी ये नान कताई को बना सकते हैं। कढ़ाई वाली नान कताई भी बहुत अच्छी बनती है, लेकिन बस उतना ही है कि दिखने में थोड़ा सा अलग लगेगा लेकिन टेस्ट बिल्कुल उसका वैसा का वैसा ही होगा। और अंदर का टेक्सचर अगर आप देखें नान कताई का तो कितना बढ़िया आया है, मुंह में जाते ही ये नान कताई आपके घुल जाने वाली है, इतनी बढ़िया लाइट और खस्ता बनती है। इस तरीके से आप ज़रूर से इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ मैंने आपके साथ ये रेसिपी शेयर की है, ज़रूर बनाइए, आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करते हैं तो इसकी फोटोज़ हमें इंस्टाग्राम पर ज़रूर से शेयर कर सकते हैं, साथ ही मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।